पीएम मोदी की मानहानि केस में राहुल गांधी को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त। तो राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब राहुल गांधी मानहानि के प्रधानमंत्री मोदी ये मोदी समुदाय को लेकर जो बयान दिया था या मोदी सरनेम को लेकर जो बयान दिया था राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनको आंशिक तौर पर राहत मिलती है, फौरी राहत मिलेगी। अगर राहत नहीं मिलती है, अगर झटका लगा तो फिर बहुत मुश्किल, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि लोअर कोर्ट के बाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, सुनवाई शुरू हो चुकी है राहुल की अर्जी को लेकर, और अर्जेंट बेसिस पर उन्होंने लगाया था ये याचिका दायर की थी। अब राहुल की अर्जी में सजा पर रोक की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पुणेश मोदी को भी नोटिस जारी किया इस बाबत। राजीव, बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है मानहानि केस में, आज सुनवाई इस विषय पर फिर से शुरू हो गई है। अब इंतजार कि राहुल गांधी का होगा, क्या क्या उनको राहत मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि सूरत कोर्ट से नहीं मिले, फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। पूरे कांग्रेस पार्टी की निगाहें इस तरफ हैं। इस बीच आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही तो स्थगित हो गई है दोपहर 12 बजे तक, और राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है मोदी सरनेम मामले को लेकर, और इस मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई है। तो सूरत कोर्ट में पहले इस बीच में संजय शर्मा हमारे संवाददाता साथ जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, राहुल गांधी को राहत की उम्मीद, लेकिन सुनवाई शुरू हो गई, क्या क्या चल रहा है, अपडेट्स क्या क्या मिल रहे हैं? फिलहाल अभी राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई की अगुवाई वाली पीठ ने नोटिस जारी किया है, जिसमें गुजरात सरकार, पुणेश मोदी और बाकी अन्य पक्षकार हैं। और अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने दिनों में नोटिस का जवाब देना है, अगली सुनवाई कब होगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जस्टिस गवई ने सुनवाई के शुरू होते ही अपने पिता के कांग्रेस से जुड़े होने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के नेता रहे और कांग्रेस के टिकट पर जनप्रतिनिधि भी रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे इतने साल के करियर में इस चीज का कोई प्रभाव मेरे करियर पर, मेरे सारी चीज पर, सोच पर नहीं दिखा है। इस पर सभी पक्षकारों ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी को भी आपत्ति होती तो, मतलब जस्टिस गवई ने इसलिए जिक्र किया कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो रिक्वेस्ट करने को तैयार है, वो इस मामले में ये उचित नहीं होगा कि वो इस मामले की सुनवाई करें। लेकिन पक्षकारों ने उनकी निष्पक्षता को लेकर सहमति दी, और इसके बाद जस्टिस गवई ने पिछली सुनवाई की और अभी बस नोटिस जारी किया है, जिसमें अभी ये स्पष्ट होना बाकी है कि कितने दिनों में रिटर्नेबल है नोटिस और अगली सुनवाई कब होगी। संजय, अब जरा दर्शकों को बता दें कि अगर यहाँ से राहुल गांधी को अगर उनके हक में फैसला आता है तो ठीक है, उनके सारे द्वार खुल जाएंगे, विकल्प उनके खुल जाएंगे, राजनीति में फिर से सक्रिय हो जाएंगे, चुनाव लड़ पाएंगे। अगर उनको यहाँ से झटका मिलता है तो क्या कोई विकल्प बाकी रह जाता है उनके पास? फिर कोई विकल्प बाकी नहीं रहता है। 10 दिन में नोटिस का जवाब देना है, 10 दिन बाद अगली सुनवाई तय होगी, और उसमें अभी फिलहाल जिस रफ्तार से चीजें चल रही हैं तो नोटिस का जवाब आएगा, जवाब में सारी चीजें बताई जाएंगी। आखिर क्यों उनकी सजा को मुलतवी ना किया जाए, सजा को रद्द ना किया जाए, और उनके जो दोष सिद्धि है जिसको लेकर वो यहाँ आए हैं, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने यहाँ SLP के जरिए चुनौती दी है, तो ऐसे में ये होगा कि चूंकि अब ये मामला सुनवाई में चल रहा है तो लिहाजा इसमें कम से कम 2 हियरिंग तो और होनी लाजमी है, और यहाँ से अगर उनको निराशा हाथ लगती है अगर, तो फिर उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन और ये सारे डालने के वो रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन डालने का ऑप्शन रह जाता है, इसके बाद फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। संजय, आज की जो सुनवाई हुई उसमें नोटिस भेज दिए गए हैं, और क्या सुनवाई अभी चल रही है या फिर समाप्त हो गई और अगली तारीख? सुनवाई चल रही है और इसमें 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल, तो संजय ये जानकारी दे रहे हैं 4 अगस्त को अगली सुनवाई। जी संजय, बात पूरी करें। जी हाँ, 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इस बीच गुजरात सरकार, पुणेश मोदी और अन्य पक्षकार, उनको नोटिस जारी किया गया है जिसमें उन्हें 10 दिन के अंदर जवाब देना है। तो आज से 10 दिन 1 तारीख होते हैं और उसमें 31 तारीख, और इसमें 4 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है और संजय लगातार जानकारी दे रहे हैं और आपको बता दें 10 दिनों के अंदर ये जवाब देना होगा। याचिकाकर्ता पुणेश मोदी ने 21 दिनों का वक्त मांगा था। मोदी सर ने मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ये बड़ी खबर आपको देते हैं। सभी संबंधित पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। 4 अगस्त को इस मामले में अब अगली सुनवाई भी होगी। मानहानि के केस में सभी पक्षकारों को 10 दिन के भीतर अपनी बात भी रखनी है। बिल्कुल, तो मानहानि केस में राहुल से जुड़ी हर खबर अपडेट पहुंचा रहे हैं। देखिए, मानहानि केस में राहुल की 4 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी जी। और आपको बता दें कि सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। याचिकाकर्ता पुणेश मोदी को भी नोटिस जारी किया गया है, वहीं गुजरात सरकार को भी इस बाबत नोटिस जारी किया गया है। तो ये अपडेट कर दें, राहुल की अर्जी में सजा पर रोक की मांग है और यहां से राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि उनको राहत जरूर मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन देखने वाली बात होगी अब अगली सुनवाई पर क्या कुछ होता है। राहतों की उम्मीद है, दरअसल 2 साल की सजा हुई है और उसकी वजह से वो अयोग्य हो गए, उनके सांसदी चले गए और सांसदी वापसी के लिए ये प्रयास, हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद मिलेगी या नहीं मिलेगी समय बताएगा। अभी संबंधित पक्षकारों को अपनी अपनी बात रखने के लिए कहा गया और अगली सुनवाई 4 अगस्त को होने वाली है। सांसदी तो गई है राजीव और चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अगले लोकसभा में, और अगर ऐसा उनको यहां से राहत नहीं मिलती है तो